ये देखते हैं अब एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं 1 से 6 तक, ये 4 से डिविजिबल हैं या नहीं, इन्हें चेक करना। तो आइए देखते हैं इनके सोल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ थर्ड के पहले क्वेश्चन में दिया गया है 618, क्या ये 4 से डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग देखते थे कि अगर किसी डिजिट की टेंस या वन स्पेस की डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो भी 4 से डिविजिबल होता था, पर इस नंबर में 1 और 8 आ रहा है टेंस और वन स्पेस में, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 18 है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट इज 18, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। सो 618 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, 2314, इसके टेंस और वंस डिजिट में क्या है, 1 और 4, मतलब 14 हुआ, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट इज 1 4, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 14 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। सो 2314 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4, तो इसलिए ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, 63712, इसके टेंस और वंस डिजिट में क्या है, 12, जो कि 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट इज 12, विच इज डिविजिबल बाई 4। ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 12 आया। सो ये देयर फोर भी लिख सकते हैं, 63712 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, तो इसलिए ये वैल्यू भी 4 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन फोर्थ, इसमें क्या कह रहा है, 35056, इसकी टेंस और वंस डिजिट क्या है, 56 है, तो अगर इसे 4 से डिवाइस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जो 4 1 बचा 4 4 जो 16, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट इज 56, विच इज
डिविजिबल बाय 4, सो 35,056 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगली वैल्यू हमको क्या दी गई है सॉल्यूशन फिफ्थ में, 9,46,126। इसकी टेंस और वन से प्लेस डिजिट में क्या दिया गया 26, जो कि 4 से डिविजिबल होता नहीं है, तो इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये इसे कैसे लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट इज 26, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 26 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए सो 9,46,126 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए ये वैल्यू भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं अब सॉल्यूशन नंबर 6, इसमें क्या लिखा हुआ है, 8,10,524। इसके टेंस और वंस प्लेस डिजिट में क्या है, 2 और 4 मतलब 24, और 4 6 24 होता है, मतलब लास्ट की दो वैल्यू जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी वैल्यू डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस डिजिट इज 24, विच इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए सो 8,10,524 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, इसलिए ये वैल्यू भी 4 से डिविजिबल होगी।